तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जोनाथन एंड ओशन शर्मा के रिलेटेड। तो गाइस, ओशन ने अपने व्यूज को शेयर किया रिलेटेड टीम गॉडलाइक एंड जोनाथन, जिसके बाद हमको ऑडियंस की तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिला। बेसिकली गाइस, ओशन ने ये बोला कि उनको अभी ऐसा लगता है कि जोनाथन बेस्ट प्लेयर नहीं है। एंड साथ ही गाइस, उन्होंने अपनी एक पर्सनल चीज को शेयर किया जो कि उनको लगता है रिलेटेड जोनाथन, वो क्या है आप देखिए। आई बिलीव एट दिस मोमेंट एट दिस स्टेज राइट नाउ जोनाथन इज नॉट द बेस्ट प्लेयर। ऐसा लगेगा कि भाई हेटर हो गया है, ये है वो है, तुझे तो व्यूज जोनाथन से आते हैं। व्यूज की बात नहीं है भाई। आई नो, यस ही हैज अ क्राउन टू रिडीम अगेन, बट दैट क्राउन ही हैज टू रिडीम इट। पुरानी टीम टीएसएम एंटिटी, पुरानी टीम गॉडलाइक ज्यादा अच्छी थी यार। गॉडल मैनेजमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड, अगर आपको जोनाथन के ही अराउंड टीम बनानी है तो एक सीरियस रिवैम्प की जरूरत है। सारे असॉल्टर्स ले लो और फिर यू नो टीम चल रही है नहीं चल रही है, कभी अच्छा खेल रही है कभी नहीं, तो दिक्कत है। आई डोंट नो इफ आई एम द राइट पर्सन टू से दिस, मैंने पता नहीं क्यों मुझे लगा, कभी कभी उनकी फाइट्स देखने में मुझे ये लगा है कि कुछ कुछ मौकों पर प्लेयर्स जो बाकी प्लेयर्स हैं अपना एग्रेशन गॉडलाइक के अपना एग्रेशन इसलिए थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि जोनाथन का एग्रेशन ज्यादा लगे, लेकिन कभी कभी उस रीजन से टीम सफर करती है। शायद ये मेरा ही थॉट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, सॉरी ऑलरेडी इफ आई एम रॉन्ग टू ऑल द फैंस। हमेशा नहीं कह रहा हूं, अगेन कभी कभी, आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी ऑन एनीथिंग अराउंड दिस, ठीक है। एंड फिर ये चीज गेटेड गाइस, उनके लाइव स्ट्रीम पर किसी ने ये लिखा, ओशन भाई कुछ भी मत बोलो, समझदार इंसान हो, बस आप इतना ही कहूंगा, बुरा खेल रहे हैं लीव देम। किसी प्लेयर को टारगेट करते रहना कि उसको एमवीपी बनने के लिए खिला रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। एंड किसी ने गाइस उनको ये लिखा, ये सब आपने जोनाथन के रिलेटेड बोला है, क्या आप हेटर हो। तो गाइस ये चीज पर ओशन रिएक्ट किए, आप देखिए। जल रही है क्या ओशन भाई जोनाथन से? भाई जलेगी नहीं, मैं डिसअपॉइंटेड हूं एज अ फैन। And I'm pretty sure बहुत सारे fans भी disappointed हैं। I'm a fan first of Jonathan, of Godlike, right? इसमें जलने की बात नहीं होती, इसमें बात आती है उस इंसान की जो लाखों लोगों को inspire करता है to play games better। वो अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है तो कुछ तो change करना पड़ेगा ना। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम 8-bit के रिलेटेड। तो गाइस, पास में टीम मायावी के रिलेटेड एक प्लेयर के बारे में तो आपको पता ही होगा, ब्लैक, जिनके ऊपर काफी सारे एलिगेशन भी लगे थे कि क्या वो चीटिंग का यूज कर रहे थे। तो अचानक से गाइस उनकी तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली जहां पर कोई उनको कंग्रेचुलेट कर रहा था कि आप 8-bit टीम ज्वाइन करने वाले हो। ये चीज गाइस ब्लैक्स ने शेयर की एंड नीचे मर्सी एंड जूसी को टैग करते हुए उन्होंने ये लिखा, बिग डब्ल्यू। वेल, अभी तक तो गाइस हमको टीम 8-bit की तरफ से कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, बट या अगर हम ब्लैक्स के फॉलोअर्स में जाकर देखेंगे तो वहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं 8-bit मैडमैन, जूसी एंड 8-bit मर्सी। जो टाइम पर ये वीडियो गाइस में एडिट कर रहा था, हमको मर्सी की तरफ से रिएक्शन देखने को मिला जहां पर वो ये लिखे, गाइस लगता है कुछ बच्चे लोग हर्ट हो गए हैं, कम्युनिटी साफ कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, एलिगेशन एक प्लेयर पर लगना और वो प्लेयर गिल्टी प्रूफ होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। एंड नेक्स्ट स्टोरी में मर्सी ये लिखे, एंड आई एम द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ टीम 8-bit। बट ये चीज के बाद गाइस हमको मर्सी की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला था जहां पर वो ये लिखे, नियम सबके बराबर होने चाहिए, कल को अगर गॉडबोट गॉड बीजीएस खेलता हुआ नजर आया तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से। तो गाइस, कुछ लोग ट्विटर पर ये लिख रहे थे कि आप लोग फैंस के डिसरेस्पेक्ट करते हो, जिस पर गोल्डी भाई रिएक्ट किए, आप देखिए। अगर किसी का कह रहा है कि हम लोग, मैं स्पेशली फैंस का डिसरेस्पेक्ट करता हूं, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा जिस भी फैन को मैंने डिसरेस्पेक्ट किया है, कि मेरे से वो बहुत बड़ी गलती हुई, बट मेरे लिए, मैं जैसा हमेशा स्ट्रीम्स में बोलता हूं, अच्छी बातें कभी कोई बोलेगा नहीं। मैंने कभी भी दिल से, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं किस लिए हूँ SATL में, मेरा क्या काम है और मैंने क्या किया आज तक, और आगे भी नहीं बोलूंगा। मुझे उस चीज़ का ना कोई शौक है, जिनको बुरा लगा उनको सॉरी, बट ये समझना होगा कि ये बोलना कि डिसरिस्पेक्ट फैन और फैंस की सुनते नहीं, तो अगर आप मेरे पे गैंगअप करके आओगे तो भाई फिर मैं उस चीज़ को फैन नहीं, कुछ और ही समझूंगा। फैंस के लिए ही थी कि इतना बड़ा मेजर स्टेप लिया, जो गोहान लाइनअप को चेंज करके रिप्लेस करके दूसरी लाइनअप लाने का। फाइनेंशियली हम लोग पैसा बचा लेते, हम लोग मॉरली बहुत खुश थे उनसे, मतलब रिलेशन वाइज आज भी बहुत अच्छे रिलेशन है ओमेगा गॉबलिन लोग से, सब चीज़ों में हम लोग बहुत खुश थे, भाइयों की तरह रहते थे, आज भी भाई है, बट सिर्फ फैंस के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया और उसके बाद बोलना कि हम लोग फैंस की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको तो मैं एजेंडा ही कहलाऊंगा। और आप लोग जितना मर्जी करें, ट्विटर इज अ प्लेस, मैंने तो डिलीट कर दिया कुछ दिनों के लिए ट्विटर, एक कल किसी को ब्लॉक कर दिया था मैंने, तो उसको लेके बहुत बड़ा बवाल था, तो मुझे पहली बात तो पता नहीं था कि वो कौन है, जैसे ही मुझे पता चला मुझे खराब भी लगा कि जो भी टॉपिक था। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जोनाथन की तरफ से। तो क्या जोनाथन के रिलेटेड हमको कोई एक अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है, या फिर इट जस्ट दैट कि जोनाथन थोड़े डीमोटिवेटेड थे। इसके रिलेटेड गाइस हमको ज़िगोर की स्ट्रीम पर जोनाथन की तरफ से कुछ रिएक्शन देखने को मिला था, आप देखिए। अभी गॉड तेरे को खेलना है, अभी मैंने क्या खेलना, अभी डर जा रहा है, तू किधर जा रहा है, जल्दी पता आएगा, खेल चुपचाप भाई, एज अ टीम प्रैक्टिस करो,
अनाउंसमेंट आई। वैसे गाइस आपको इसके रिलेटेड क्या लगता है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बाय द वे टीम को लेकर रिलेटेड गाइस बात कर रहे हैं तो न्यू रिएक्ट किए क्या कोड लैक में आपको पंक देखने को मिल सकते हैं, आप देखिए। पंक से मैंने बात किया, पंक ने बोला कि बताएगा वो इसके बाद। पंक बूट कैंप है, पंक ने बोला कि घर जाके बताएगा वो, मतलब वो बोल रहे कि वो बहुत मतलब उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है गेम से रिलेटेड, मतलब उससे बताया प्रॉब्लम से बहुत। तो उसने मेरे को वही बोला कि घर जाके मैं बताता हूँ, मैंने बोला उसको खेलना है तो बीजेस खेल ले हम लोग कैसे। कैसे देखो हर एक चीज़ हम लोग करते हैं बट तुमको लगता है नहीं करते क्योंकि हर चीज़ हम लोग ऑन स्ट्रीम आके नहीं बता सकते, बट ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा क्योंकि फिर कल को तुम लोग ना बोलो कि ये फ्री था तुम लोग ने इसको अप्रोच। भाई हम लोग करते हैं, भाई बात करते हैं, हम लोग को भी चाहिए कि हम पर अच्छा खेले, ठीक है। जिस दिन पंग ने वो स्टोरी डाला उसी के एक घंटे बाद मैंने उसको कॉल करके उससे बात किया, उसने बोला मेरे को एक बार नहीं घर पर जाने, मैं सोचूंगा मैं बताऊंगा। इसके बाद गाइस कुछ लोग ये न्यूज स्प्रेड करना चालू कर दिया कि पंग ने कोड लाइक ज्वाइन कर ली है, जिस पर रिएक्ट करते हुए पंग ये लिखे फेक न्यूज पर विश्वास कम करे तो अच्छा है, मैं मेरे डिसीजन सोच समझ कर ही लेता हूँ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्काई ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड। तो गाइस इसके चैंपियंस बन गए हैं WSB गेमिंग, नंबर 2 पर रहे हैं आईकू सोल, नंबर 3 पर थे टीम ब्लाइंड एंड बाकी अदर ऑल स्टैंडिंग भी आप स्क्रीन पोस्ट करके पढ़ सकते हो। एंड ये सब के बाद गाइस कुछ लोग WSB टीम को चीटर बोल रहे थे, जिस पर स्पिरो भी ये लिखे टीम WSB के हैंड कैम्स आर गेटिंग चेक, आज रात तक रिजल्ट आ जाएगा, साथ ही में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फोन्स भी चेक कर लो जस्ट टू बी सेफ सो दैट किसी को डाउट ना रहे, अगेन पीपल शुड डोंट स्पैम 2-2 जस्ट बिकॉज दे आर गुड, दिस इज नॉट अ गुड मेंटालिटी, प्लेयर आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। एंड गाइस फिर विनर बनने के बाद हमको WSB जेरफ की तरफ से एक इंटरव्यू देखने को मिला था, जहाँ पर वो कुछ ये बोले, बेहतरीन बेहतरीन टीम्स भी मौजूद थी और वहाँ से आपने अपना एक नाम बनाया, आपकी टीम का एक नाम बनाया, सो हाउ इज द फीलिंग ओवरऑल? बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनसे सीखा उनको हरा दिया आज। ये स्टेटमेंट मुझे काफी बढ़िया लगा कि जिनसे सीखा उन्हीं को हरा दिया। बाय द वे गाइस टीम सोल की परफॉर्मेंस के रिलेटेड नियो भी रिएक्ट किए, वो भी आप देखिए। वेल ट्राइड, हर एक परिस्थिति उनके विपरीत, लेकिन अंत मतलब पेवर ने गया नहीं, पता जोन उनसे आठ शिफ्ट क्या, वो एक्चुअली में मरते लोग तभी जाने चाहिए जब मेडल साथ में रोटेशन दे रहे थे, बट उन लोग ने बहुत अच्छा संभाला NTNT एक्चुअल में बहुत अच्छा खेला भाई, कोई अच्छा खेलता तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नाइस ट्राई आई गेस ये लोग थोड़े पॉइंट्स ही जीते बहुत अच्छा हैंडल किया, हाँ मतलब वो लोग ने वहाँ वो जगह से जब वो लोग वहाँ से निकले थे ना जब मेडल साथ में रोटेशन दे रही थी मर, तो वो लोग उधर ही जाते, बट वो लोग ने जो हैंडल किया सिचुएशन को बहुत अच्छा किया। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है ट्राइडेंट गेमिंग के रिलेटेड। तो गाइस ट्राइडेंट गेमिंग की तरफ से हमको एक पोस्ट देखने को मिला जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, ट्राइडेंट ई स्पोर्ट्स स्क्रिम्स बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया कमिंग सून। तो यहाँ गाइस लुक्स लाइक फाइनली हमको BGMI में अब स्क्रिम्स देखने को मिलने वाली है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम नोवा एंड पैरा बॉय के रिलेटेड। तो गाइस फाइनली 427 डेज के बाद हमको नोवा की तरफ से कमबैक देखने को मिला, एंड अब वो हमको देखने को मिलेंगे ग्लोबल लेवल पर 2024 PMGO के लिए वो क्वालिफाई कर गए हैं, उसके रिलेटेड एक पोस्ट को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड फाइनली अब वापस से हमको पैरा बॉय एंड ऑर्डर का डुओ देखने को मिलेगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGMI एक्सटर्न एंड एलविश यादव गेमिंग की कॉन्ट्रोवर्सी के रिलेटेड। तो क्या फाइनली इनकी कॉन्ट्रोवर्सी सोल्व हो गई है? फिलहाल ये दोनों गाइस लाइव आए थे एंड काफी सारे चीजों के रिलेटेड बात किए, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। सिस्टम भाई थोड़ा बिना सिस्टम के हैं फिलहाल, अभी हो गई है पॉजिटिव नोट पे बात, दो लोगों की बात थी, अभी ये दोनों खुद से बात करेंगे। देख भाई जो भी हुआ, जो आपने सारी वीडियोस वगैरह देखी हमारी, जो भी बात थी गर्मा गर्मी में, चाहे भाई ने जो भी बात मेरे को बोली उसके चक्कर में मैं गया, और जो भी हमारी लड़ाई हुई वो अब सारी भाई अपनी तरफ से क्लियर है। एक बार भाई तुम और बता दो क्या क्या सीन है। भाई थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था और थोड़ा सा मैं किसी ने तो उकसा दिया था मेरे को, तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा लेकिन मैंने बता दिया। बाकी मेरी तरफ से भाई सारी चीज क्लियर है और मेरी तरफ से कोई फिजिकली सोशली कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। मैं लड़ता मैं तो ना तो हम कौन से लड़ते फिरते घूमते भाई, हम भी सही रहते हैं भाई, अपना खत्म। और आपस में मत लड़ो, कोई बहन हल्की सी चिंगारी मारता है सबकी सुलग जाती है और तुम आपस में गुतने लग जाते हो, सारे भाई मिलके एकजुट रहो। इसको फिजिकली मेंटली सोशली फाइनेंशियली किसी हिसाब की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होती है तो एल्विश भाई बहुत अच्छे से समझते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत जा सकते हैं। एंड फिर एल्विश यादव की तरफ से गाइस हमको पोस्ट देखने को मिला था, जहां पर वो ये लिखे एक घर में बर्तन होते हैं बजेंगे तो सही भाईचारा ऑन टॉप। एंड फिर मैक्सन भी एक पोस्ट के सिस्टम फीचर्ड एल्विश यादव। एंड फिर मैक्सन की तरफ से हमको एक स्टोरी भी देखने को मिली थी, जहां पर वो ये कहे तो आज मैं एल्विश से मिला और हीट ऑफ द मोमेंट पर जो भी हमारे बीच हुआ उसके बारे में हमने चर्चा की, जिसमें रजत भाई ने मेरे को समझाया, हमको समझाया कि हम लोग सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं और वो भी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हमने क्लियर कर ली, एंड थैंक्स टू रजत भाई जो कल मेरे घर आए, मेरे को समझाया अगर सामने वाले से बातचीत करके एक नॉर्मल सा कन्वर्सेशन करके अगर कोई सॉल्यूशन निकल सकता है तो वो बेहतर है, और जो कि आज हमारे बीच में हुआ, हमने बातचीत की अच्छे से और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर कर ली।
इंडियन मैं यही कहना चाहूंगा, हम सभी लोग सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, भाईचारा बना रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए, तो प्यार बांटो। बाय द वे गाइस, प्रीवियस एक वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर कुछ लोग गोल्डी भाई की एक पास क्लिप को शेयर कर रहे थे एंड वो चीज रिलेटेड भी आज फाइनली गोल्डी भाई रिएक्ट किए। आप देखिए, कोई किसी को गलत ठहरा था, कोई किसी को गलत ठहरा था, एंड ऑफ द डे क्या हुआ, दे बोथ वेंट लाइव। मुझे तो कल ही रात को पता चल गया था कि क्या मेरी वो क्लिप क्या, मुझे पर्सनली नहीं जानते, सब मुझे पर्सनली जानते। आप वो मेरी क्लिप फैलाओगे तो क्या आपको लग रहा था, वो क्या लग रहा है आपको, जो मेरी आप क्लिप को टैम्पर करके दिखाओगे कि मैं एल्विश को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, एल्विश मेरा दोस्त है, आपका भी दोस्त होते होंगे ना, वो भी कुछ गलत एक्टिविटी कर देते होंगे, तो क्या दोस्ती खत्म हो जाती है क्या? आपके दोस्त जाके लड़ाई नहीं करते? मेरा दोस्त है, उसने लड़ाई करी, उसने गलत करा, गलत को मैंने गलत बोला, बात खत्म। मैंने उससे भी बात करी, उसको भी बोला, बात खत्म। तो ये धमकियां, ये सब चीजें ना, ये सब चीजें खुश रहा करो। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़े क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे अपना बीपी मत गरम किया करो। तो बस गाइस, फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।